अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। आज हम दोबारा मौजूद हैं मिस्टर इमरान मेमन के पास, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज लिमिटेड। और आज हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, इंडेक्स के बारे में सवाल करेंगे और कुछ कंपनी के बारे में भी हम थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू देंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि जैसे कल एक रिपोर्ट आई थी एक ब्रोकरेज हाउस से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, ये जो मार्केट है वो 52 पॉइंट्स तक हो जाएगा, इंडेक्स है वो 52 पॉइंट्स तक हो जाएगा 52,000। उसके अलावा भी पहले भी आरिफ अबीब की रिपोर्ट आई थी कि मार्केट 62,000 तक हो जाएगी, इंडेक्स है वो 60,000 तक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो रिसेशन हो गया, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई, इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई, तो वो सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज है? देखिये, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगा कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट को या किसी भी एनालिसिस को जो है ना, वो ना अपोज किया है ना ऑफेंड किया है। हर एक का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का, और मैं ये समझता हूँ कि जो भी एक कोई रिपोर्ट रिलीज़ कर रहा है या कोई कॉल रिलीज़ कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वो इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं जिससे शायद आप समझ जाएं कि अगर एक ग्लास में हम पानी भरते हैं और उसमें हमने उसको आधा फुल रखा हुआ, तो आप उसको देख रहे होंगे कि ये आधा खाली है, मैं उसको देख रहा हूँ ये आधा फुल है, बात दोनों की सेम है, बट ये एक नेवर एंडिंग डिबेट होगी और उस पर सिर्फ एक सिर्फ डिस्प्यूट हो जाएगा, उसका एंड रिजल्ट कोई भी नहीं होगा। इसी तरह से जितने लोग मार्केट में कोई भी कॉल दे रहे होते हैं, वेदर इट्स अ बाय और अ सेल, तो वो अपनी एक सर्टेन रीडिंग के हिसाब से दे रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एक डिफॉल्ट वाला थ्रेट था वो अब उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह करे कि ये हम डिफॉल्ट में ना जाएं, लेकिन अभी तक जो फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे सो फार ये नज़र आ रहा है कि वी आर एबल टू एस्केप दैट डिफॉल्ट। और उसी के बेस पे जो है ना, बहुत सारे लोग मार्केट में एक बुलिश रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ साथ डिफॉल्ट के साथ साथ जो जो दूसरा फैक्टर था कमोडिटी प्राइसेस का, स्पेशली एनर्जी प्राइसेस का, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा था हम सब के लिए, चाहे कॉमन मैन हो चाहे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर एक के लिए मसला बन गया था कि किस तरह से वो ऑयल प्राइसेस या एनर्जी प्राइसेस को जो है वो इनकॉर्पोरेट करेगा अपनी बैलेंस शीट्स में। अपने अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मैं भी ये सोच रहा था कि भाई एक सर्टन अमाउंट मेरे घर के बिल की आती थी या मेरे मंथली फ्यूल की होती थी, वो 3 टाइम्स हो चुकी थी, तो जाहिर है हर कोई परेशान हुआ हुआ था। लेकिन अभी जिस तरह से स्पेशली क्रूड ऑयल नीचे आया है या कोल प्राइसेस नीचे आई हैं, अभी नेचुरल गैस उस तरह से नीचे नहीं आया, बट जिस तरह से ये दो कमोडिटीज़ नीचे आई हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि एक रिलीफ मिल सकता है। तो ये और तीसरा फिर जो हमारा पाकिस्तान रुपी जो डिप्रिशिएट हो रहा था उसमें एक ब्रीदर में मिला है, और वो आज भी मेरे ख्याल से शायद अगर हम बात करूँ तो यस 221.90 पे जो है वो आज का डे इसने क्लोज किया है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। तो ये कलेक्टिवली चीज़ें हैं जिसके बेस पे कुछ ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो ये बुलिश कॉल्स दे रहे हैं। अगेन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की कॉल्स जो हैं वो हमने एक साल पहले भी देखी थी, 2 साल पहले भी देखी थी, बट उसमें चीज़ें फिर जिस तरह से फैक्टर्स चेंज हो गए, 2 साल पहले हमने कोविड देखा, उसके बाद फिर इसी साल जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखी, उससे पिछला वाला साल हमने भी कुछ अनसर्टेनिटीज़ देखी थी जिसमें सबसे ज़्यादा तो कोल प्राइसेस ने हमें हिट किया था। तो ये सारे एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अनफोर्सिंग होते हैं, जो शायद किसी को नज़र नहीं आते, तो वो अगर खुदा ना खास्ता दोबारा से आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो व्यू चेंज हो जाए। अगर मैं एक
मेरी नापिस राय ये है कि यहाँ से शायद क्रूड ऑयल जो है वो ज़्यादा ना टूटे, यहाँ से शायद हो सकता है कि 10 या 12% इसमें एक बाउंस आ सकता है। तो अगर वो बाउंस आता है तो मे बी वो जो थॉट प्रोसेस है कि मार्केट इतना ज़रा बूम कर जाएगी, हो सकता है कि उसमें कोई रिवीजन आए। दिस इज माई टू सेंट्स। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऑटो सेक्टर के बारे में, जैसे ताइवान जो है वो एक ऐसा कंट्री है जो कि सेमीकंडक्टर चिप प्रोवाइड करता है ऑटो सेक्टर्स को, अभी वहाँ पे जो चाइना और ताइवान और यूएस के जो मसले चल रहे हैं, तो अभी ऑटो सेक्टर को आप कहाँ देखते हैं? देखिए मैंने शायद लास्ट अपने इंटरव्यू में भी बात की थी कि जो मेरा हमेशा फोकस रहता है वो एक ही रीडिंग पर रहता है, चाहे मैं लोकल मार्केट को देख रहा हूँ या मैं इंटरनेशनल मार्केट्स को देख रहा हूँ, और वो है टेक्निकल एनालिसिस। एंड बेस्ड ऑन दैट रीडिंग ना मैंने समझता कि ऑटो सेक्टर में कोई फर्दर डाउनसाइड ड्रास्टिकली आ सके। हाँ, एक अपसाइड मूव, एक अच्छी अपसाइड मूव हम देख सकते हैं सेलेक्टिव स्टॉक्स में, सेलेक्टिव कंपनीज में, जैसे गंदारा निशान है या गंदारा इंडस्ट्रीज है, इनफैक्ट PSMC है। Sorry to interrupt you, but why PSMC, Park Suzuki Motors Company? क्योंकि जैसे कि ये companies हैं अभी जो bookings हैं अपनी client की वो भी cancel कर रही हैं, इन जो car की जो prices हैं वो इतनी high हो गई हैं, तो जब demand कम हो जाएगी तो ये company तो loss में जाएंगी, उनके जो stocks हैं उनके उनपे भी negative impact ही आएगा। ठीक है, agreed, उससे मैं disagree नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसी सवाल को ना मैं थोड़ा सा rephrase करता हूँ। जब कोई कंपनी एक माइंड बॉगलिंग प्रॉफिट देती है और डिविडेंड भी अनाउंस करती है, तो क्या उसका इमीडिएट रिएक्शन हमने उस तरह से मार्केट में देखा है? 90% केसेस में शायद एक या दो दिन देखा, उसके बाद मार्केट अपने आप को नीचे एडजस्ट कर देती है। लोकल तो शायद आपको मैं उस तरह से एग्जांपल्स ना दे सकूं, जैसे फरवरी में हमने देखा था कि लास्ट इंटरव्यू में मैंने बात की थी कि हमने फरवरी में देखा था कि OGDC और PPL की बात हो रही थी कि भाई इसमें ये डिविडेंड गवर्नमेंट जो है वो उसमें अनाउंस करेगी और ये गेम चेंजर बन जाएंगे। मेरे पास 94 या 96 का शायद OGDC ने हाई लगाया, एंड टुडे इट्स ट्रेडिंग एट 85-86। 78 का शायद इस करंट फॉल में इसने एक लो देखा था। तो अगर वो गेम चेंजिंग थ्योरी होती तो इसको 85 की जगह 185 ट्रेड करना चाहिए था। इसी तरह से अगर हम एग्रो फर्टिलाइजर्स की बात करें या EPCL की बात करें, हाई डिविडेंड यील्ड इनकी बनती है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया कि जब वो गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स अनाउंस किया तो सबसे ज़्यादा इनको जो है वो हिट पड़ रही थी, एंड दैट डीरेल्ड द होल सेंटिमेंट, और उसने उस डिविडेंड पेइंग जो फैक्टर था उसको ओवरशैडो कर दिया। इंटरनेशनल अगर बात करूँ ना, तो आईफोन ने जब आईफोन X लॉन्च किया था ना, उस टाइम पे इसका शेयर प्राइस शायद कोई 115 या 117 डॉलर्स पे चल रहा था, 120 के आसपास था। जिस दिन आईफोन X लॉन्च हुआ था ना, हालांकि आईफोन X वॉज सपोज टू बी द बिगेस्ट इनोवेशन इन टेक इंडस्ट्री, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि रात को दो दो बजे से लोग जो है दुकान के बाहर खड़े हो जाएंगे और माइंड बॉगलिंग सेल्स होंगे। जिस दिन आईफोन X लॉन्च हुआ था ना, उस दिन उसका शेयर प्राइस तकरीबन 12 या 13% डाउन हुआ था। उसका रीजन क्या था कि दैट फैक्टर वॉज प्राइस्ड बिफोर दैट अनाउंसमेंट। अब हो सकता है कि यहाँ पे आपकी वाली बात जो सेमीकंडक्टर्स की है या प्रॉफिटेबिलिटी की है, वो होना है, ठीक है। टिल दैट टाइम अगर मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुकी है, और अगेन इसमें आपको चार्ट्स बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं कि एक 2 या 3 ईयर्स के लो पे एक चीज खड़ी हुई है और वहां पे कुछ वॉल्यूम में स्पार्क आ रहा है, अगेन इसमें एक बहुत लंबी स्टडी होती है जो जिसके बेस पे मैं ये बात कर रहा होता हूँ, तो वो अगर बता रहा है कि भाई यहाँ पे वो एक अपनी बेस लाइन को टेस्ट कर रहा है एंड यहाँ से आपको एक बाउंस मिल सकता है, हो सकता है
हो सकता है कि उस बाउंस के बाद आपको ये फैक्टर मिल जाए, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ये फैक्टर मिल जाए कि भाई वो ताइवान और चाइना वाला जो जो डिस्प्यूट था खत्म हो गया, हो सकता है ना, एनीथिंग। अब आप देखिए ना 27,000 पे जब मार्केट थी या क्रूड ऑयल जब नेगेटिव 8 या $10 पे ट्रेड कर रहा था, वहां से 130 भी हुआ ना, और 27,000 से मार्केट 48,000 भी गई। हालांकि कोविड का जो इम्पैक्ट था वो 2 साल तक रहा हमारे पास, 2020 मार्च से लेके अभी भी पाकिस्तान में कोविड खत्म नहीं हुआ, डेली आपके पास 2-3% जो पॉजिटिविटी रेट आ रहा होता है। बट क्या मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया ना, मार्केट हैज प्राइस्ड इन। जब मार्केट अपसाइड पे भी अपना आपको प्राइसिंग करती है ना, तो मार्केट लो साइड पे भी आपको प्राइसिंग कर रही होती है कि भाई थिंग्स आर, वो कहते हैं लेट्स मूव ऑन, द मार्केट ऑलवेज बिलीव्स इन मूविंग ऑन। वो ये नहीं देख रही होती कि चीज अगर नीचे जा रही है तो नीचे जाते जाते एक बेस लाइन आ गई है, बेस लाइन आ गई, वहां से एक अपसाइड कर्व जो है वो बन सकता है, और यही मार्केट का एक नॉर्मल रूल है। वरना आप देखें ना, मार्केट ने पिछले एक हफ्ते में मार्केट ने 39,600 से आज 42,700 का जो है वो हाई लगाया है एक हफ्ते में। लास्ट वीक मतलब अभी जो मुहर्रम की छुट्टियां थी उससे पहले 1st of August को मार्केट ने 39,550 या 600 का लो लगाया था, टुडे इट्स एट अ हाई एट 42,700। तो 3,000 पॉइंट्स मार्केट ने किस बेस पे गेन कर लिए, उसके पीछे सर क्या रीजन से, वो आप थोड़ी शेयर करें। सबसे पहले तो अगेन उसमें एक मतलब अगर दुनिया की मार्केट को देखा जाए, जैसे कि आपने एक स्टेटमेंट दी कि जो यूएस की मार्केट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो कह रही है कि मतलब सितंबर में और एक रिसेशन आएगी, आप मार्केट से एग्जिट करें, और यहाँ पे हमारे चले हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो थोड़ी स्ट्रांग होती जा रही है, इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग होती जा रही है, इसलिए हमारी मार्केट जो है वो थोड़ा अब ओवरकम कर रही है, मार्केट जो है वो थोड़ी स्टेबल होती जा रही है। लेकिन इन फ्यूचर आप इसको कहाँ देखते हैं, अगर यूएस की जो मार्केट है वो भी वहां पर एग्जिट करने को कह रही है, तो हमारी मार्केट में से क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चीज है? मैं नहीं समझता कि मार्केट यहाँ से कोई बड़ी मूव ले सके, ठीक है। तो मतलब ये 52 पॉइंट्स का जो स्टेटमेंट आई, आई डोंट थिंक इट्स सो इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल 42,800 का एक बेसलाइन सपोर्ट था जो मार्केट ने 1.5 साल तक नहीं तोड़ा था, ठीक है। नाउ इट्स हैज बीन ब्रोकन, वो सपोर्ट अब टूट चुका है और मार्केट उससे बहुत नीचे खड़ी हो चुकी थी, 39,600 तक आ चुकी थी। मार्केट ने आहिस्ता 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 रिवर्सल लिया और 42,800 का जो एक सपोर्ट था ना साइकोलॉजिकल, वो अब एक साइकोलॉजिकल टॉप बन गया है, ठीक है। अब उस टॉप को मार्केट को ब्रेक करना होगा, विच इज नॉट सो ईजी। मैंने इसकी अगर आप अपने कैमरे को यहाँ कर सकें तो मैं आपको एक शीट दिखा सकता हूँ। अब देखें ये मार्केट का एक एक सिनारियो मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगेन देखें टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड सम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स जिसको मार्केट रिपीट कर रही होती है, और मार्केट दुनिया की हर मार्केट जो है ना वो अपने ट्रेंड को रिपीट कर रही होती है। हम चाहे फैशन की बात करें, चाहे अपने लाइफस्टाइल की बात करें, चाहे खाने पीने की बात करें, हर चीज़ में मार्केट अपने उस हिस्टोरिकल ट्रेंड को जो है वो फॉलो कर रही होती है। यहाँ 2017 में हमने मार्केट को 53,130 का एक हाई लगाते हुए देखा था। उस हाई के बाद मार्केट ने 2018 के अगस्त में ये जो 42,500 की जो बेस लाइन थी ना वो ब्रेक कर दी थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट को बहुत टाइम लगा था इस लेवल को सरपास करने में, इट कुड नॉट डू इट। बहुत अटेम्प्ट्स लिए मार्केट ने, यहाँ से जब मार्केट ने एक बाउंस लेना शुरू किया था और लेते लेते वो यहाँ पर आके दोबारा थक गई थी और फिर दोबारा 42,500 के आसपास आके जो है वो फंसना शुरू हो गई थी। यही अगर हम देखें ना तो 2020 के जुलाई के बाद से मार्केट ने ये जो 42,800 की जो बेस लाइन सपोर्ट थी ना वो नहीं ब्रेक की थी। नाउ इट हैज ब्रोकन दैट और मार्केट इसके नीचे खड़ी हो रही है। अब ये देखें 2017 में भी मार्केट को बहुत टाइम लगा था इसके ऊपर होल्ड करने में, यही चीज अभी हम यहाँ पे रिपीट होते हुए देख रहे हैं। तो 42,800 इज नाउ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल जो कि मार्केट को शायद बहुत तकलीफ देगा ऊपर आने में। ये एक छोटा सा वो है, बाकी ये कि
इसको प्रॉपर तरीके से मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उसको हाँ। आप फिर अपने वीडियो में जो है वो प्रॉपर तरीके से पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि व्यूअर्स के लिए जो है वो एक बेहतर एजुकेशन जो है वो हो सकेगी इसमें। थैंक यू सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी सेक्टर के बारे में, आपके क्या व्यूज हैं, जबकि अभी देखा जाए तो जो आईटी के जो स्टॉक्स होते हैं वो ग्रोथ स्टॉक्स माने जाते हैं, तो इस रिसेशन के टाइम में आपके क्या व्यूज हैं इस सेक्टर के बारे में? देखिए अगेन जो मेरा अपना एक व्यू हमेशा रहता है बेस्ड ऑन द एनालिसिस दैट आई फॉलो, तो मैं समझता हूँ कि द स्टॉक्स लाइक एवेंसियन या टी आर जी, इनमें ज्यादा कोई बड़ी मूव हम यहाँ से नहीं देख सकते। इनमें हो सकता है कि यहाँ से शायद 20% 25% चीजें नीचे आ जाए। लेकिन एक बात बड़ी मजे की मैं आपको बताऊं, अभी आपने बात की कि ऑटो सेक्टर जो है उसमें कुछ बातें ये हो रही हैं कि वो उसमें नेगेटिव फैक्टर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, बट आज हमने पाकिस्तान पाक सुजुकी को जो है वो कैप लगते हुए देखा। व्हाई इज दैट? क्योंकि वो नेगेटिव फैक्टर शायद प्राइसिंग हो गया। इसी तरह से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि चीजें प्राइसिंग हो जाती हैं, चाहे वो अपसाइड पे हो चाहे डाउन साइड पे हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो टेक सेक्टर की ग्रोथ की बात हो रही है ये भी प्राइसन होगी। आप देखें ना, आप टी आर जी ने अभी रिसेंटली शायद 67 का लो टेस्ट किया था और तकरीबन 6-7 महीने लगे इसको 67 और 72 के बीच में कंसोलिडेट करने में, एंड नाउ इट्स एट 96, तो ऑलमोस्ट 50% तो गेन कर लिया। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 50% जो इसमें गेन आया ये इसी फैक्टर के ऊपर आया, और जब वो न्यूज मार्केट में आए तो वो कहते हैं ना कि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बाय द र्यूमर एंड सेल द फैक्ट। जब वो जब न्यूज मार्केट में आए तो आप उसको बेच दें। एक हमेशा बात है यार, अपने व्यूअर्स को हमेशा एक बात जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोइंग शॉर्ट, बट यू मेक मनी वेन यू सेल। जो भी बिजनेस में आप हो ना, एक शॉपकीपर भी जो है ना वो जब तक अपनी इन्वेंट्री बेचेगा नहीं ना उसको वो प्रॉफिट मिलेगा नहीं। आई मीन आप देखें कि वो बेचारा जो भी जो चेज स्टोर था उसके साथ क्या हुआ, उसकी जो एडिबल ऑयल की इन्वेंट्री थी पूरी जल गई ना। लेकिन सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरा जो सवाल है कि देखिए अगर दुनिया के बड़े इन्वेस्टर देखे जाएं तो वो कहते हैं कि आप एटलीस्ट 5-10 साल तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखें, और आपने जो एग्जांपल दिया वो एज ए शॉपकीपर का दिया कि मतलब वो अपनी इन्वेंट्री सेल करेगा तो अर्न करेगा, तो एज ए इन्वेस्टर को वैसे ही करना चाहिए, बाय करना चाहिए और सेल करके अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट करें कुछ सालों तक करें, तो मतलब इस चीज को मतलब आप कैसे देखते हैं कि मतलब क्या वो सही है या ये स्टेटमेंट? मतलब देखिये मैं कभी भी इसमें यकीन नहीं करता, मैं इसमें कभी भी यकीन नहीं करता। अगेन मैं उस बात को रिपीट करूंगा जो मैंने लास्ट अपने इंटरव्यू में की थी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लकी सीमेंट, ठीक है, एक साल में ये स्टॉक जो है अपना 50% लूज कर चुका है, डिस्पाइट के किया मोटर्स के साथ डील हुई, डिस्पाइट के हमने सैमसंग के साथ डील होते हुए देखी, डिस्पाइट के लकी सीमेंट की अपनी सेल जो है वो भी बड़ी जबरदस्त है, उन सारे फैक्टर्स के बावजूद ये अपने 50% पे खड़ा हुआ है। अब एक अगर इन्वेस्टर की 50% इन्वेस्टमेंट अगर खत्म हो जाए तो उसका क्या पर्पस है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ठीक है ना। दूसरी चीज ईपीसीएल है और एनवी फर्टिलाइजर है, ठीक है, समझा जाता था कि भाई इनकी बड़ी हाई डिविडेंड यील्ड है। ईपीसीएल ने शायद 109 का 104 का अपना एक हाई दिखाया था, राइट नाउ सॉरी ईफर्ट में, राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 80 रुपीज। 109 से अगर ये 80 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है तो ये 29 रुपीज लूज कर चुका है, एंड 29 रुपीज का मतलब ये कि ऑलमोस्ट वो 25-20% 20 या 25% अपनी उस हाई से ये लूज कर चुका है।
क्या 25% या 30% तो टोटल डिविडेंड यील्ड थी ना, उतना तो इसने लूज कर दिया पिछले दो महीने में, तो उसके इन्वेस्टमेंट का फिर क्या पर्पस रहा। इसी तरह से अगर हम ईपीसीएल की बात करें तो 84 या 90 रुपीज से ये 68 पे ट्रेड कर रहे हैं, इट हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 20 रुपीज फ्रॉम दैट हाई, एंड 20 रुपीज फॉर अ स्टॉक जो कि 90 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है तो 27 या 30% ही बन जाता है। अगेन इतना तो डिविडेंड यील्ड भी नहीं है इसकी, तो ये भी बड़े समझने की जरूरत है कि हर मार्केट का एक डिफरेंट नॉर्म होता है। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो डिविडेंड यील्ड है ना वो 1% भी नहीं है, 0.1% है। ठीक है, अब वहां पे अगर 0.1% डिविडेंड यील्ड है, देखिए यहां पे एक जो सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है ना वो ये हो जाती है कि आप बाय करते हो एक स्टॉक को फॉर डिविडेंड पर्पस एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट्स प्राइस, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिविडेंड वाले स्टॉक को हर क्वार्टर पे एक्स होके उतना पैसा अपनी उस वैल्यू से माइनस कर देना है। अगर एक स्टॉक में 2 रुपए डिविडेंड दिया है ना और वो 50 रुपए ट्रेड कर रहा है तो जब एक्स होगा ना तो वो 2 रुपए माइनस होकर खुलेगा, तो वो जो 2 रुपए का डिविडेंड का इम्पैक्ट था वो उसकी प्राइस में खत्म हो चुका है। अब आप ये सोचो कि मैंने तो ये 2 रुपए डिविडेंड के लिए काम किया था और मैंने मिसाल दे रहा हूं कि मैंने एक स्टॉक लिया 45 का, उसने 2 रुपए डिविडेंड दिया और वहां से 45 से वो 55 हो गया। अच्छा, अब आपने अर्न कितना किया उसके ऊपर 10 रुपीज, बट आप ये देख रहे हो कि वो जो 55 से 53 पे खुला ना तो आप इस बात को रो रहे हो कि मेरा तो डिविडेंड वाले पैसे चले गए। आप ये नहीं देख रहे कि आपने 45 से 55 तक की रैली भी तो एंजॉय की, अब वो 55 से 53 हो गया तो ठीक है आपको फिर भी 8 रुपए मिल रहे हैं ना, उसमें 8 रुपए तो उसका डिविडेंड नहीं है बट आपको 8 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, आप यहां पर भूल जाते हैं, जो इन्वेस्टर है ना वो ये भूल जाता है कि मैंने बाय कहां किया था, वो ये देख रहा होता है कि मुझे करंट प्राइस पे जो ना क्या हो रहा है। फिर जो जो उससे ज्यादा मुसीबत होती है ना, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं मुसीबत का, लेकिन उससे ज्यादा मुसीबत जो होती है ना वो ये होती है कि उस 53 पे या 52 पे आकर उसको एवरेज करने की सोच रहा होता है। क्यों एवरेज कर रहे हो? आपने आज तक किसी भी चीज में ये देखा है कि उसकी प्राइस ऊपर जा रही हो और आप उसको बाय पे बाय कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो अपने साथ जुल्म कर रहे होते हो क्योंकि अपनी कॉस्ट को जबरदस्ती आप बढ़ा रहे हो। मेरी कॉस्ट एक स्टॉक में 45 की है, वो स्टॉक 55 का हो गया, एक्स होने के बाद 53 हो गया, तो बजाय इसके कि मैं ये एंजॉय करूं कि ऑलरेडी मुझे 8 रुपीज मिल चुके हैं और 2 रुपए का डिविडेंड भी मिलेगा, मैं उसको 53 पे दोबारा बाय कर देता हूं। अब वो अगर 53 से 48 होना शुरू हो जाए या 50 होना शुरू हो जाए तो फिर मेरे जो है हाथ पांव फूल जाते हैं कि ये तो मुझे नुकसान हो रहा है। एक्चुअली मुझे नुकसान नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ उस जो हर्ड मेंटेलिटी या भेड़ चाल होती है ना उसका शिकार होते हुए हर हाई पे जो है ना अपनी प्राइस को बढ़ा के अपनी कॉस्ट को बढ़ा के मैंने सिर्फ अपनी अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाया, नथिंग एल्स। 90% केसेस में यही होता है कि इन्वेस्टर जो है ना वो ये भूल जाता है कि मैंने मेरा पर्पस और इन्वेस्टमेंट किया था। मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूं एक ऐसी जगह पे जहां पे फ्लैट्स बहुत ज्यादा है, मिसाल है जंक्शन रोड की या पीसीएचएस की, जहां पे प्रॉपर्टी की रोलिंग जो है ना बहुत कम है बट मुझे रेंटल इनकम मिल रही है। अब मैंने एक प्रॉपर्टी ली और मुझे उस पर रेंटल इनकम मिल रही है साल की 7-8%, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि मेरे उस जो मैंने प्रॉपर्टी ली थी उसकी प्राइस नहीं बढ़ रही, तो ये मेरा कसूर है क्योंकि मैंने अगर मुझे प्रॉपर्टी की प्राइस के लिए करना था ना तो मुझे फिर शायद बहरिया टाउन में जाना चाहिए था या डीएचएस सिटी में जाना चाहिए था या किसी ऐसे मार्केट में जाना चाहिए था जहां पे प्लॉट्स की रोलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि मैं इजी कम इजी गो में चल रहा होता वहां पर। यहां पे मैं बड़ा एक स्टैग्नेंट एक इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी और मैं उसमें देख रहा हूं कि मुझे रेंटल इनकम क्या आ रही है। डिविडेंड इज जस्ट लाइक रेंटल इनकम, आपको साल का 25% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, ठीक है, आपको इतना तो बैंक भी नहीं दे रहा हूं, मतलब वो एक कंपनी वाइज है कि आप कौन सी कंपनी से exactly, ऐसे ही हाँ। साथ में आपको ये भी देखना है कि वो डिविडेंड के वन ऑफ तो नहीं था, जैसे टीआरजी का डिविडेंड वन ऑफ था, ठीक है, कहीं वो वन ऑफ तो डिविडेंड नहीं था कि भाई एक दफा डिविडेंड दे दिया फिर खत्म, पहले का डिविडेंड रेगुलेटेड नहीं होता। हाँ, सीमेंट कंपनीज है या ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उनका डिविडेंड जो है रेगुलर हो रहा होता है तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर आप उसको ये ना देखें कि मुझे रोज जो है कैप क्यों नहीं लगा, ये पॉसिबल नहीं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एक स्टेटमेंट कही कि जब वॉल्यूम्स हाई हो जाएं तो अपनी सील फेल्ट बांध लो, तो इस स्टेटमेंट के पीछे मतलब क्या रीजंस हैं, वो आप रीजंस प्लीज डिफाइन करें।
देखिए आप एक चीज नोट कीजिएगा, मार्केट में दो फेज होते हैं, एक कंसोलिडेशन का और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का। कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन हम देख रहे होते हैं उस वक्त जब मार्केट में एक सर्टन प्राइस पे, स्पेशली ऑन द लोअर साइड, एक सर्टन प्राइस पे चीज रुकी हुई हो और उसमें आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो, ये नजर आ रहा होता है कि वहां पे जो सेलिंग प्रेशर है ना वो थम रहा है, ठीक है, यानी कि वहां पे सेलर इतना इंटरेस्टेड नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बाइंग ही हो रही है। और वो आहिस्ता आहिस्ता आप ये नोट करो कि अगर उसमें बड़ा फॉल नहीं आ रहा तो अगर बड़ा जंप नहीं आ रहा तो बड़ा फॉल भी नहीं आ रहा। मैं आपको इसके अभी एग्जाम्पल दूंगा वेव्स की। वेव्स ने जब 11 रुपए 11.25 रुपए पे ट्रेड कर रहा था ना आज से एक हफ्ते पहले, तो ये रुका हुआ था और वहां पे रोज 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख इस तरह के वॉल्यूम आ रहा था, विच वॉज शोइंग के ये एक ऐसे लेवल पे खड़ा हो गया है जहां पे सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई है। उस वक्त से इसने आज देखा था 1460 का हाई लगाया, लास्ट फ्राइडे शायद 1470 का ऐसे कोई हाई था। परसेंटेज में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 30% इसने गेन कर दिया एक हफ्ते के अंदर, लेकिन जैसे इसने 14 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया ना इसमें वॉल्यूम आना शुरू किया, विच वॉज एन इंडिकेशन कि वो लोग जो इसको लो साइड पर आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट कर रहे थे उन्होंने एग्जिट करना शुरू किया। और जैसे ही इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, मेरे ख्याल से शायद समीन टेक्सटाइल के साथ इसके साथ इसका एक वो आया था इन्फॉर्मेशन, जैसे वो इन्फॉर्मेशन आई इसमें वो पब्लिक घुसी जो इजी मनी के चक्कर में होती है, ठीक है। लेकिन सर अगर वेव्स की बात की जाए, पेल की बात की जाए, उसमें तो मतलब कभी भी जो है वॉल्यूम लीडर्स आ जाते हैं उनका तो मतलब ऐसे ही होता है क्योंकि सट्टे वाले स्टॉक है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल देने के लिए वेव्स की मिसाल दे रहा था। अब आज की मिसाल लें, ठीक है, आज मार्केट ने शुरू के एक घंटे में 42,700 के ऊपर ट्रेड किया। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। इट्स जरूरी नहीं है कि आप इसको स्क्रीन पर रखें, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये आज सुबह से अब तक की एक्टिविटी है। आप ये देखें कि यहां पे वॉल्यूम बार सबसे ऊंचा नजर आ रहा है। मार्केट ने 29.6 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट किया एंड दिस इज फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स, ठीक है। इस वक्त मार्केट ने हाई क्या लगाया था 42,557, ये शुरू का आधा घंटा था। देन मार्केट ने दोबारा एक हाई लगाया, वहां पे थोड़ा सा वॉल्यूम और मिला हमें और मार्केट ने फिर एक अपने को पीक किया और वहां पे फिर उसके बाद आप वॉल्यूम देखो बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। दिस शोज कि यहां पे जो हर्ड मेंटेलिटी या जो 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 ग्रीडी मनी होती है वो आई, उनको डंप किया गया, यहां है उनका डंप किया गया, यहां है उनका डंप किया गया, देन वॉल्यूम फेलियर। मतलब कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स होते हैं जिसको पंप करके डंप किया जाता है कि मतलब पहले वॉल्यूम ज्यादा हो गए उसके बाद मतलब बाइंग हो रही है, बाइंग टिप मिल रही है, उसके बाद सेलिंग। एग्जैक्टली, देखिए मैं हमेशा ये कह रहा होता हूँ कि जब वॉल्यूम आपको डाउन साइड का नजर आ रहा हो ना तो इट्स अ क्लियर एग्जाम्पल, अ क्लियर इंडिकेशन कि यहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई है एंड यहां पे आप जो है वो थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करना शुरू कर दें। सर आप इससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स बताना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को? जैसे मैंने अभी पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था, वेव्स बताया था, ASL बताया था, आपको गुलेमद बताया था। आप देखें वहां से तकरीबन वेव्स तो 30% गेन कर चुका है और गुलेमद और वो मेरे ख्याल से 15% गेन कर चुके हैं। इस टाइम पे मैं जो है वो रादर ये कहूंगा कि कॉशस अप्रोच अपनाना चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने 22 जुलाई को भी मेरा एक वीडियो था, आप उसको मैं उसको उसका लिंक आपके साथ शेयर कर लूंगा, आप चाहें तो अपने चैनल पर उसको डाल दीजिएगा। उसमें मैंने बात की थी कि मार्केट में अगर 41,900 के ऊपर मार्केट जाती है और वहां पर वॉल्यूम आना शुरू होते हैं तो इसका मतलब कि यहां पे आपको जो है वो एग्जिट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। वो मैं एक टर्म यूज करता हूँ, पैक योर बैग्स। तो उसका रीजन ये है कि जहां पे हायर साइड पर आपको वॉल्यूम नजर आना शुरू हो जाए ना, इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि वहां पे जबरदस्ती प्राइसेस को जो है वो पंप किया जा रहा है ताकि आप जो जो स्मार्टर मनी है उसको एग्जिट मिल सके। आप ये देखें ना, आज मार्केट ने अपना टोटल मार्केट का वॉल्यूम जो है ना KSE 100 इंडेक्स का 195.9 मिलियन है, ठीक है।
लास्ट सेशन में हमने 197 मिलियन का वॉल्यूम देखा था, ऑलमोस्ट उतना ही, ठीक है। और मार्केट ने अगर आप देखें ना तो मार्केट ने कैंडल क्या बनाई, देखें ये देखें यहाँ पे विक नजर आ रही है ऊपर, विच मीन्स के मार्केट यहाँ तक गई है और यहाँ पे पंप किया गया है और यहाँ पे चीजों को डन करके मार्केट को नीचे क्लोज किया गया। इसी तरह की अगर हम देखें ना तो हमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स पहले ही मिलती है। ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद वाला, जब मार्केट ने 46,970 का हाई लगाया था। अब ये देखें उस दिन भी मार्केट के वॉल्यूम बढ़े थे और जैसे ही वो चीज हो गई मार्केट वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गया। तो व्हेन यू सी वॉल्यूम्स कमिंग एट हायर साइड ना, उसमें शायद हो सकता है कि उसको एक स्पेसिफिक टर्म है बुल ट्रैप, ठीक है। बुल ट्रैप का मतलब ये होता है कि जब चीज अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रही है या उसके थोड़ा सा ऊपर जा चुकी है और वहां पे वॉल्यूम आना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती जो है वो उस प्राइस को खींचा जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है ताकि ग्रीडी मनी को खींचा जा सके अपनी तरफ, वो आए और उसको दम किया जाए। दिस इज कॉल्ड अ बुल ट्रैप। इसी तरह से इसकी एक अपोजिट है बेयर ट्रैप। बेयर ट्रैप में क्या होता है कि एक सर्टन प्राइस से नीचे या उसके पास बी एट 52 वीक्स लो या दो साल के लो उस पे चीज ट्रेड कर रही है, जैसे गुल अहमद में हुआ था, 30 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, 30 रुपीज शायद दो ढाई साल का लो था उस पे ट्रेड कर रहा था लेकिन उससे नीचे नहीं जा रहा था और वहां पे वॉल्यूम ऐसा ऐसा आ रहा था। तो दिस वॉज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे बेयर ट्रैप हो सकता है, यानी कि बेयर्स को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और वहां से आपने देखा कि एकदम से एक या डेढ़ हफ्ते में इसने 15% का एक्सपाल दे दिया। Thank you, sir. Thank you so much for your valuable time. Welcome.